हेलो गाइस, देखो हमारा सवाल दे रखा है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। हाई स्कूल में भी था ऐसे सवाल ही थे, इसी तरह के समीकरण हल करके हम एक दूसरे में मल्टीप्लाई करके और उसका एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे। इस सवाल में इंटर में है ये सवाल, तो ये चेंजेस है इसमें, थोड़े अलग प्रोसेस बनाएंगे। तो हमारे ये आइडेंटिटी दे रखी है 5273, तो ये हम ए बराबर मान लेंगे 5273, जैसे 5273 ये मान ली हमने, और हम मान लेंगे कॉमा, और ये एक्स वैल्यू एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक्स बराबर एक्स वाई कॉमा, और ये हमारे अचर पद है, तो वी बराबर 4 और 5 हमारी ये वैल्यू दे रखी है। तो अब ए इनवर्स निकालेंगे हम इसमें से, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें इसका मॉड निकालना होगा, ए का मॉड निकालेंगे, बनती है 15 - 14, 7 × 2 = 14, बनती है 15, मॉड आ गया 1, 1 आ गया हमारा मॉड। तो हमारा सूत्र हो जाए, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स बराबर -1/(a)(a), तो -1/(a) मोड मोड एक की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हल हो जाएगा। इस बार करने के पहले हमें इसके अब रो और कॉलम भी निकालने पड़ेंगे, अब a1 और a2 और वैल्यू निकालनी पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे निकलेंगे, 5273 ये अभी हल नहीं हुआ है, इनवर्स की वैल्यू मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ रो और कॉलम में, a1 और a2 की वैल्यू यहाँ पे कॉलम बनाकर इसकी वैल्यू निकालूँ, तो a11 की, तो a11 ये है तो 3 आ जाएगा, a12 1 और 2 तो 7 आ जाएगा, a21 2 और 1 तो 2 है और a22 कितना a22 तो 5, तो ये वैल्यू, तो ये हमारा होगा यहाँ पे ए इनवर्स बराबर -k1/1, तो ये हमारे यहाँ पे रखे जाएंगे 7, और रह सकते हैं a11 a12 a21 और 2 2, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे a11 a12 ये वाले a12 और a21 a22 ये रखे, वो निकल गया है, चलो उसको कट कर देते हैं। अब ये a की वैल्यू निकालना है ना, ओके, ए इनवर्स बराबर माइनस का होगा यहाँ पे, माइनस का ही नहीं, a11 की वैल्यू 3 -7 और ये 2 और 5 इतना ही। हम यहाँ पर हमारे होते हैं ये चेंजेस, यहाँ पे ये प्लस माइनस ऐसे होते जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, ये तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, जबकि ये दोनों चेंज हो गए, तो यहाँ पे 5 3 तो 3 5 हो गए, और ये दोनों माइनस के, तो माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, ए इनवर्स बराबर -3 और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, और ये 7 + k हो जाएंगे और -k 5, इतनी आ गई हमारी ए इनवर्स की वैल्यू, ये माइनस है। अब हमारा सूत्र होता है एक्स बराबर ए इनवर्स वी, एक्स कितना दे रखा है x/y बराबर ए इनवर्स हमारा -3 2 7 - 5 इंटू वी, वी कितना है 4 और 5, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की, इसमें एक्स और वाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 34 - 12 और 5 × 2 = 10 और 7 × 4 = 28, 5 × 5 = 25, ये घटाएंगे एक्स और वाई
एक्स और वाई हमारा आएगा, ये आएगा माइनस का टू और ये थ्री। तो ये दोनों बराबर हों तो एक्स बराबर माइनस का टू आ जाएगा और वाई बराबर थ्री। तो ये एक्स और वाई की हमारी वैल्यू आ चुकी, एक्स और वाई की। सवाल हमारा उत्तर आ गया।